अपनी बात की शुरुआत में आपको एक छोटे से सलाह से करूंगा, और वो सलाह ये है कि आप अपनी गलतियों से कभी भी घबराया मत करिए, डरा मत करिए, आप खूब गलतियां करिए। यहां तक कि आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मुझे ज्यादा से ज्यादा गलतियां करने का अवसर दो। अगर हमारा उद्देश्य देश समाज के हित करने का है ना, दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए अपना हित करने का है, तो हमें ढेर सारी गलतियां करने का आशीर्वाद ईश्वर से मांगना चाहिए। हम जितनी ही गलतियां करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, आप भी रोज गलतियां करते होंगे। ये अलग बात है कि हम अपनी गलतियां किसी से बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को दूसरे से बताने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपने छोटे बच्चे को देखा है, बिल्कुल छोटा सा होता है, एकदम छोटा। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा है, आप भी बच्चे रहे होंगे, मान लेते हैं कोई बच्चा है, अगर उसने कभी कोई गलती ही नहीं की, उसे मौका ही नहीं मिला गलती करने का, तो कैसा इंसान बनेगा बड़ा होके? वो इंसान बन ही नहीं पाएगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। बच्चा जो होता है वो रोज गलती करता है, छोटी छोटी गलती करता है। वहां पे उसको एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो कि बताए कि इसको ऐसे तुम सुधार सकते हो। उस मार्गदर्शक को हम बचपन में माँ बाप कहते हैं, है ना? माँ बाप ही हमारे सच्चे और सबसे पहले गुरु होते हैं। तो बच्चा गलतियां करते 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 शरीर से तो बड़ा होता ही है, लेकिन अगर वो सीख नहीं पाए तो बड़ा नहीं हो पाएगा। शरीर से बड़ा होकर क्या करेगा अगर वो बच्चों की तरह ही हरकत करता रहा तो? लेकिन गलतियां अनुभव प्रदान करती हैं। आप जितना ही गलती करेंगे आप उतना ही अनुभव प्राप्त करेंगे, और उतना ही आपका व्यक्तित्व विशाल बरगद की तरह बनता चला जाएगा। इसलिए कभी भी ये उम्मीद मत करिए, ये प्रार्थना मत करिए ईश्वर से कि मुझे गलतियां कैसे हो जाती हैं, मुझसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप कहिए कि मुझसे ज्यादा से ज्यादा गलतियां हों। अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो बेशक आपको ज्यादा गलतियां करनी चाहिए। मैं गलती करने की बात कर रहा हूं जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, मैं पाप या अपराध करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गलती करने की बात कर रहा हूं। हर इंसान गलती करते 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 सीखता है, बशर्ते हम अपनी गलतियों से सीखें। आप जितना ही अपनी गलतियों से सीखेंगे आप उतने ही मैच्योर दिखाई देंगे। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपने जिंदगी को भरपूर जिया है ना? ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसके चेहरे का जो आभा मंडल होता है वो अलग होता है। देखते ही समझ में आ जाता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में। जिंदगी का मकसद केवल एक छोटा सा नौकरी पाना या छोटा सा बिजनेस स्थापित कर लेना या केवल डेली की रोजी रोटी चलाना नहीं होना चाहिए। जिंदगी में अधिक से अधिक सीखना मकसद होना चाहिए, और इसलिए जरूरी है कि हम सीखें, इसलिए गलती करें। तो मैंने भी खूब गलतियां की। मैं अपनी बात पे क्यों आ गया, ताकि आपको बता सकूं कि आप वो गलतियां मत करिएगा। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो मैं जब सबसे पहले तैयारी करने घर से बाहर निकला था, उन दिनों ऑनलाइन नहीं था, ये बात थी 2006-07 की। 2006-07 में कोई यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अपने ही रोटी बेलना था, अपने ही सब्जी पकाना था, खुद से ही किताबें खरीदनी थी, खुद से ही पढ़ाई करना था। कोई ऑनलाइन नहीं था, कोचिंग था भी तो समझ में नहीं आता था कि कौन सा ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि आपके कमरे तक थोड़ी कोई पहुंचेगा। ऑनलाइन क्या करता है, आपके कमरे तक पहुंच जाता है स्मार्टफोन के थ्रू। लेकिन जब ऑनलाइन जमाना नहीं था तो हर चीज आप तक नहीं पहुंच पाती थी, सूचनाएं पर्याप्त रूप में नहीं पहुंच पाती थी, है ना? तो मैं जब बाहर निकला था तो ऐसे ही निकल गया जैसे कूप मंडूक, ना पर्याप्त गाइडेंस ना मार्गदर्शन, घर से बाहर निकल गया। पिताजी ने कहा कि हम 1800 रुपये मंथली देंगे, तुम अगर बाहर पढ़ाई कर सकते हो तो करो। वहीं से मेरी गलतियों की शुरुआत होती है। कल्पना करी कि अगर मैं घर से बाहर ना निकलता तो गलतियां नहीं कर पाता। मैं घर से बाहर निकला, तो मैं घर से बाहर निकला, इलाहाबाद आया। इलाहाबाद 3 दिन भटका अकेले, कोई साथ नहीं था, गार्जियन भी नहीं थे, कोई साथी नहीं था, अकेले ही निकला था। एक अटैची थी, एक एयरबैग था, उसे ट्रेन पे चढ़ाया पैसेंजर गाड़ी में। इलाहाबाद दारागंज स्टेशन हुआ करता था, वहां पे उतरा, और किसी ने सलाह दिया कि अल्लाहपुर में रूम सस्ते मिलते हैं, क्योंकि मेरा बजट 1800 का ही था। तो इलाहाबाद पहुंचा, जबकि इलाहाबाद, सॉरी, अल्लाहपुर इलाहाबाद के गंदे इलाकों में आता है, मतलब काफ़ी हौच पौच रहती है, नाले वाले वहाँ पे बहुत रहते हैं, शिवर वगैरह बहुत खुले रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने रूम ढूँढा, कई तरह के रूम देखा। सबक की बात बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो समझेंगे किसका मतलब क्या है। तो एक रूम
मुझे 800 का दिखा। रूम अच्छा था, लॉज था, लॉज में ही रूम मिलते थे जहाँ पे ढेर सारे लड़के रहते हैं। 800 का मिला, मुझे लगा कि 800 है तो मेरे पास तो 1800 रुपये है, तो सोचना पड़ेगा, पहले देख लूँ कोई और। एक रूम मुझे 600 का दिखा दूसरे लॉज में, उस लॉज में नहीं, दूसरे लॉज में एक रूम 600 का दिखा। मैं तीसरे लॉज में गया, वहाँ मुझे 500 का रूम मिल गया। मैंने 500 रुपये में उस लॉज में रूम ले लिया। लेने के बाद समझ में आया कि मैंने गलती कर दी। वो लॉज इतना गंदा था, इतना गंदा था कि लगभग 150 स्टूडेंट्स उसमें पढ़ाई करते थे, टॉयलेट्स की कमी थी, सुबह लाइन लग जाती थी। सभी स्टूडेंट्स, एक बीच में लॉबी थी, वहीं पे अपना जूठन फेंकते थे। तो जैसे ही शाम या सुबह होती थी तो ढेर सारे चूहे आते थे उसे खाने, और मच्छरों का अंबार। परिणाम हुआ कि महज 1 या 1.5 महीना बीता था, मुझे मलेरिया हो गया। और दुर्भाग्य इतना ज़्यादा रहा कि 2-2.5 महीने बाद, अभी मलेरिया पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था, फिर मुझे टाइफाइड हो गया। मैं अंदर से एकदम टूट गया। एक तो पहली बार घर छोड़ा था, आपने कभी घर छोड़ा होगा तो शायद इस बात को समझे होंगे कि पहली बार जब कोई घर छोड़ता है तो वो उतना ही तकलीफ में होता है जैसे कि कोई लड़की अपने मायके से विदा होकर ससुराल चली गई हो। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में अंदर से था, इमोशनल काफ़ी कमज़ोर था, वीक हो गया था उस समय। उसी समय 2 बीमारियाँ हुई धड़ाधड़। खैर, मलेरिया टाइफाइड ठीक कराया, घर से होके आया दोबारा। मैं उस पहले वाले लॉज में गया जहाँ पे 800 करोड़ मिल रहा था। वहाँ पे साफ़ सफाई थी, व्यवस्था अच्छी थी, इवन इन्वर्टर की भी सुविधा थी। आप उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के इन्वर्टर की लाइट ले सकते थे। मैंने लड़कों को वहाँ पे आराम से पढ़ते हुए देखा, तो मुझे लगा कि अगर मैंने 800 वाला रूम ले लिया होता और 500 के चक्कर में नहीं पड़ता, तो महज 300 बचाने के लिए मैंने लगभग 7 से 8 हज़ार अपने स्वास्थ्य पर खर्चे कर दिए। हो गई मुश्किल। खैर, फिर अपने ही बर्तन मांजना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था। मैं जिस रूम में रहता था उस लॉज में, उसका छत महज 7.5 या 8 फीट था। सिर से थोड़ी ऊंचाई पर उसका छत था, पंखा लटकता था। जून का महीना था, मई जून का, वो पंखा भी चलाने पे, पंखा नहीं चलता था तो उतनी तकलीफ नहीं होती थी, जब पंखा चलता था तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि मेरा जो रूम था वो टॉप पर था, उसके ऊपर कोई दूसरा रूम नहीं बना होता था। तो जब पंखा चलता था तो तवे की तरह गर्म हवा की, लगता था सिर पे किसी ने गर्म तवा रख दिया हो। सब अकेले ही करना पड़ता था। इलाहाबाद में निकल गया कोचिंग ढूंढने की, कौन सी कोचिंग अच्छी होगी। वहाँ भी मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक कोचिंग में गया, दो कोचिंग में गया, तीन कोचिंग में गया। सभी कोचिंग में मूल्यांकन करके मैंने पाया कि जो सबसे सस्ता है वो 5,000 रुपये का था। उन्होंने कहा कि मैं 7 महीने में आपका इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। उन्होंने कहा मैं 7 महीने में आपका इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा। 5,000 में भी मैंने कंसेशन करा के 3,500 रुपये में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस 3,500 तो मैंने एडमिशन ले लिया, जबकि अदर कोचिंग में 10 से 12 हज़ार से नीचे उन दिनों एडमिशन नहीं होते थे। लड़कों की संख्या काफ़ी थी, ऐसा नहीं कि उनके पास लड़के नहीं थे, लगभग 150 से 200 लड़के एक बार में बैठते थे। 1.25 साल बीत जाने के बाद मुझे लगा कि क्या कर दिया मैं, कुछ समझ ही नहीं आया इतिहास क्या है, कितना फैक्ट रटूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले बहुत से लोग हैं, और हम जो कम उम्र के होते हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 24 साल, 25 साल, दो तरह के लोग होते हैं समाज में। एक तो जो गलतियां करके सीखते हैं, क्योंकि सीखने के लिए गलतियां करनी जरूरी हैं, और दूसरे होते हैं जो बिना गलती किए दूसरों की गलती से सीखते हैं। आज का ज़माना सूचना का है। मैं जब 2006-07 में तैयारी करने निकला था तो ना फेसबुक था, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सूचना ही नहीं मिलती थी। आज तो आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, घर बैठे, अच्छे से अच्छा टीचर भी, जो दिल्ली में सबसे टॉप क्लास के टीचर थे वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर अब दिखाई देते हैं, है ना। तो सब कुछ हमारे रूम में अब अवेलेबल है, बड़ी आसान हो गया है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल है, जब सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है तो उसमें से अच्छे का चयन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, विकल्पों की कमी नहीं है, आपके चारों तरफ सूचनाओं के रूप में विकल्प मौजूद पड़े हुए हैं, तो वहां पे आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि हर तरह की सूचना आपके पास है। लेकिन मुश्किल ये है कि आप उन सूचनाओं में से चयन किस सूचना का करेंगे, विकल्प कौन सा चुनेंगे। अगर कोई भी सस्ती से सस्ती फीस करके, फीस भी सस्ती कर रहा है और चिकनी चुपड़ी बातें भी कर रहा है, बेशक आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि आप हमारे यहां एडमिशन लीजिए। मैंने 2-4 दिनों में यूट्यूब देखा, इतनी गिरावट, इतनी अधिक गिरावट कि शब्दों की भी गिरावट और मूल्यों की भी गिरावट।
जो कि देख के ही लगता है कि छात्रों को इन लोगों ने क्या समझ रखा है। हमारे यहाँ एक मैम है, यूट्यूब पे नाम ले लूँगा, कोई कैंपस करके उनकी इंस्टीट्यूट चलती है, उनके थंबनेल पे लिखा था अंग्रेजी पढ़ा रही थी, है ना, क्या नाम है, कोई कैंपस करके उनके इंस्टीट्यूट का नाम है, महिला हैं, अपने इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, वन डे की कोचिंग चलाती हैं, उनके थंबनेल पे लिखा था, वो इंग्लिश पढ़ा रही थी, थंबनेल पे क्या लिखा था कि गर्लफ्रेंड बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। आज भी वो थंबनेल पढ़ा होगा, एक अध्यापक के थंबनेल पे इस तरह की बातें लिखी होती हैं। मकसद क्या है, क्लिक बेट, इसको कहते हैं क्लिक बेट, मतलब थंबनेल पे कुछ ऐसा कर दो कि वो बच्चा क्लिक कर दे। तो दिन रात आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मीठी चुकनी चुपड़ी बातें करके, फीस को अधिक से अधिक सस्ता करके, इसकी कतई नहीं परवाह कि बच्चा जो हमसे जुड़ गया उसे 4 से 5 महीने हम किस तरह पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड क्या होगा हमारे नोट्स का, हमारे क्लास का, इससे कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ आजकल सिर्फ सस्ती से सस्ती फीस करके आकर्षित करने का गेम चल रहा है। आप YouTube खोलिए, UPSI बैच हमने स्टार्ट किया, 399 में भी एडमिशन लेने आ गए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि सावधान रहिए, बेरोजगारी के ज़माने में 399 क्या, आप देखिएगा गिरावट इतनी ज़्यादा है कि आपको 199 में भी स्वतः घोषित गुरु आ जाएंगे जो आपको 199 में भी पढ़ा देंगे। लेकिन ये आपके करियर का सवाल है, इसके साथ आप 2, 400, 500, 1000 रुपये को ध्यान में रखकर निर्णय मत लीजिएगा। करियर को आप अगर महत्वपूर्ण समझिएगा तो इस बात को एक बार जरूर सोचिएगा कि सस्ता अच्छा है या महंगा। कोई अगर किसी चीज़ का मूल्य ले रहा है तो क्यों ले रहा है, क्या मैं 199, 399 में नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्या हमारा इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकता है? सच है, नहीं पढ़ा सकता है। आप सोचते होंगे कि टारगेट आलोक इतना महंगा क्यों होता है, टारगेट आलोक महंगा नहीं होता है, टारगेट विद आलोक स्तरीय होता है, जिसका एक स्टैंडर्ड होता है। आपने पढ़ाई की होगी, नोट्स लिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे। एक अध्यापक अगर एक दिन भी गैप करता है तो उसकी सूचना आपके पास 10 बार भेजी जाती है। तो इन सब चीज़ों का एक मूल्य होता है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। हमने UPSI बैच लॉन्च किया, उसकी एडमिशन की अंतिम डेट 21 जुलाई थी, लेकिन बहुत से छात्रों ने जैसी परिस्थिति उसमें हमसे रिक्वेस्ट की कि सर एडमिशन की डेट प्लीज़ बढ़ाइए। परिणाम स्वरूप हमने अभी क्लासेस भी रुकवा दी, क्लासेस आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई को ही शुरू होने वाली थी। बाकी छात्रों ने निवेदन किया कि सर अगर क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। हमने कहा क्यों, मैसेज आते हैं। उन्होंने कहा कि जब शुरू हो जाएंगी तो हमको लगता है कि अब हमारी चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि किसी चीज़ को शुरू से पकड़ो तो अच्छी लगती है। हमने कहा आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमको 4-6 दिन एडमिशन के लिए और मौका दीजिए ताकि हम, अच्छा ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हमने एडमिशन की डेट बढ़ाई, और UPSI बैच में एडमिशन की डेट अब 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। आप 31 जुलाई तक UPSI बैच में एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप करके एडमिशन का तरीका जान सकते हैं। नीचे कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, स्क्रॉलिंग में भी नीचे मोबाइल नंबर चल रहे होंगे, वहाँ पर आप कॉल करके भी एडमिशन की प्रक्रिया जान सकते हैं। UPSI बैच के बारे में मैं एक पूर्व सूचना आपको दे दूं, और झूठ निकलेगा तो आप कहिएगा कि आलोक सिंह ने झूठ बोला। UPSI बैच का जो नोटिफिकेशन है वो बन चुका है, बस रोजगार समाचार पत्र में आना है। मैं आपको अंतिम डेट भी दे सकता हूं, अब भगवान न करें कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो अलग बात है। UPSI की नोटिफिकेशन आज है 22 जुलाई, UPSI की नोटिफिकेशन अधिकतम 31 जुलाई तक आपके सामने होगी, रोजगार पत्र में छपी रही होगी। क्लियर। और ये कोई ऐसी परीक्षा नहीं जिसे आप अनदेखा कर दें। उत्तर प्रदेश में PCS परीक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा मेरे ख्याल से UPSI है, क्योंकि इससे प्रोन्नत होकर आप थानाध्यक्ष, है ना, थानेदार बनते हैं, दरोगा बनते हैं। पदों की संख्या बढ़ने वाली है, जितनी पहले से घोषित थी या जैसा अनुमान लगाया था UPSI में पदों की संख्या उससे ज़्यादा होगी। आपके पास तैयारी करने के लिए अभी भरपूर समय होगा, जब तक परीक्षा नहीं होगी हम ये बैच चलाएंगे, परीक्षा के डेट तक हम आपको रिविजन कराएंगे। फीस क्या रखी गई है आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। फीस हम कम नहीं करते हैं, हम 1 रुपया भी फीस नहीं कम करते हैं। उसका रीज़न मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम फीस इसलिए नहीं कम कर सकते हैं बिकॉज ताकि हम उसको सतत रूप से चला सकें। दो तरीके हो सकते हैं, हम अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखें और फीस को भी मेंटेन रखें। अगर आप हमें मजबूर करेंगे कि हम फीस को कम करें
तो प्रकृति का नियम है, अगर आप हमसे फीस को नीचे करने को कहेंगे तो हम गुणवत्ता को कम कर देंगे, आपकी क्लासेस घटा देंगे, क्योंकि यहाँ टीचरों को सैलरी दी जाती है, हम टीचरों से कम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा वनडे एग्जाम में भी एक विषय का टीचर आपको 80-80, 90-90 क्लासेस देता है। क्यों देता है? वो प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है आपके साथ कि कोई कोर कसर ना छूट जाए, बशर्ते आपके अंदर लालसा हो सीखने का। आप सीखना ही नहीं चाहोगे तो कोई पानी में चीनी घोर के नहीं पिला सकता है आपको, है ना। तो मैंने गलतियां की, फीस देखा, है ना, एडमिशन लिया, 1.25 साल अपने बर्बाद किए एक ऐसे टीचर के यहाँ जिसने केवल किताबें लिखवाई, किताब पढ़ा और लिखवाता चला गया। आप उन गलतियों से बचिए। 499, 399 ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ केला और अमरूद नहीं बिक रहा है, टमाटर भिंडी भी नहीं बिक रही है, ये क्या है 499, 399? ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन में हर व्यक्ति सेंध लगा रहा है। अच्छा, सेंध अगर वो गुणवत्ता के साथ लगा दे तब बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए सेंध लगा रहा है। लेकिन सेंध शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, अगर वो स्तर को मेंटेन कर ले तब उसको सेंध लगाना नहीं कहेंगे, लेकिन अपने स्तर को गिरा के केवल चिकनी चुपड़ी बातें करके 399 या 499 फीस लेके एक स्तरहीन पढ़ाई के साथ आपका 4 से 5 महीना बर्बाद कोई करवा दे, तो ये देखकर किसी भी अच्छे व्यक्ति को जो अंदर से ईमानदार है उसे बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है कि चल क्या रहा है। UPSI के बैच में आप एडमिशन लीजिए, करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए। नमस्कार।